देखिए जेबा को होश तो आ गया है लेकिन अभी वो अ, मेरा मतलब है कि उसके सेंसेस पूरी तरह से नहीं जागे हैं मतलब ऐसा हो जाता है अक्सर लंबी बेहोशी के बाद या है ट्रॉमा के बाद मरीज तो जाग जाता है लेकिन उसके सेंसेस पूरी तरह से बहाल नहीं हुए होते तो अब क्या करना है डॉक्टर साहब अभी वो जागी तो थी तो विच इज़ गुड इसका मतलब ये है कि शी इज़ नॉट इन कॉमा बस वो थोड़ी सी वायलेंट हो गई थी इस वजह से हमने उन्हें सीडेट कर दिया है मेरे ख्याल से उन्हें अभी कुछ आराम की ज़रूरत है जब वो खुद से सो के उठेंगी तो फिर देखेंगे कि क्या करना है वायलेंट क्या हुआ है जेबागू डॉक्टर साहब ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है आ, हो सकता है कि कुछ भी ना हो जब वो सो के उठे तो बिल्कुल ठीक हो यू डोंट वरी बी फाइन इंशाल्लाह थैंक यू डॉक्टर सना सना फरा मैं तो उसको यहाँ पर सुलाते सुलाते खुद भी सो गई फरा है कि फरा जानी तो निगत के साथ है निगत लेके गई उसे नहलाने के लिए हाँ, उसका नाश्ता वगैरह भाई मैंने और निगत ने करा दिया तुम सॉरी इसलिए हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया लेकिन अब उठ जाओ तहसीन आंटी का फोन आया रात भर वो आई नहीं बल्कि मैं भी इतनी गहरी नींद सो गया था उनके फोन से ही उठाऊ सना

बस सब अदनान भी जल्दी से ठीक हो जाए सब कुछ सब कुछ पहले जैसा हो जाए मैं बस अभी आ रही हूँ आप कहाँ जा रही हैं मैं कहीं भी नहीं मामा किधर हैं वो आज आपका फ्रॉग लेकर आ रही है ना फ्रॉग नहीं चाहिए मामा के पास जाना है अच्छा तो आप आ, मैं एक काम करती हूँ ना मामा को जल्दी से ढूंढ कर लेके आती हूँ अरे बुरी बात है ना जानी चलो मामा नाराज होंगी तैयार हो जल्दी से वरना पे डांट भी पड़ेगी मामा से और टॉयज भी नहीं मिलेंगे चलो जल्दी से तैयार हो जाओ नहीं हाँ भाई जल्दी से तैयार चलो नहीं हाँ नई वाली फ्रॉक भी पहननी हमने